वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक जबरदस्त मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो के लिए, जो होने वाला आपका इंडियन आर्मी पेपर होने वाला आपका ऑनलाइन, फॉर्म आपके होने वाले हैं बहुत जल्द स्टार्ट, उसको लेकर आपकी तैयारी। क्योंकि पहली बार आपका ऑनलाइन एग्जाम होने जा रहा है, तो उसके लिए जो आपका फॉर्म फिलअप को लेकर जो प्रोसीजर चेंज हुआ है, उसमें जो फॉर्मेट आपको चाहिए, उन सब पे बात करूंगा। आप अगर इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आप उसके लिए पेपर देने वाले हैं, तो वीडियो आपको शुरू से लेके लास्ट तक देखना चाहिए। क्योंकि एक गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट और आपकी तैयारी कोई मतलब नहीं उसका। तो प्लीज फोकस करिएगा और ये वीडियो पूरा देखिएगा। क्या चीजें ट्वेल्थ की मार्कशीट में क्या क्या चीजें आपका रिक्वायरमेंट रहेगा, मोबाइल जो लिंक है आधार के साथ वो कैसे, ईमेल आईडी कैसे, अगर अपन बात करें सर्टिफिकेट की, बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या करेक्शंस पहले हमें कर लेना है फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद में वो करेक्शन नहीं होगा, चीजें मिसमैच होगी और दिक्कत आएगी। मैं आपको क्लियर करता हूं, ध्यान से सुनना, पॉइंट टू पॉइंट बात को गौर से सुनना। सबसे पहला जो पॉइंट आपका, वो पॉइंट यह है कि ऑल एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू लिंक देयर मोबाइल नंबर विथ आधार। आपको आधार के साथ आपका जो मोबाइल नंबर है उसको लिंक करना पड़ेगा। आज ही कर लें, कैफे पे जाएं और आपका जो मोबाइल नंबर है उसको आधार से लिंक करिए। सबसे रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ये, और वो जरूरी है। और आपका वो मोबाइल नंबर खुद का होना चाहिए, पर्सनल जो नंबर है वो होना चाहिए, क्योंकि उस पर ओटीपी आपका आने वाला है। ध्यान दीजिए, पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपना ही मोबाइल नंबर लिंक करें। और अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड पे पापा का, भैया किसी और का है, तो नंबर चेंज करवा लें, आपका नंबर उस पर लगा लें, आपका नंबर उस पर होना चाहिए। ध्यान दीजिए, अगर दूसरे का मोबाइल नंबर है आपके आधार से लिंक, तो आप चेंज करवा ले, कैफे पे जाके चेंज हो जाएगा। दूसरा यहां पे देखिए, डिजी लॉकर अकाउंट आपको क्रिएट करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से पहले। इसके लिए आपको जो आपका डिजी लॉकर का एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से, वो डाउनलोड करना होगा। और यहां पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, वो आपको अपलोड करना है और उनको यहां पर सिक्योर करना है फॉर्म भरने से पहले। इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो भी आपको अलग से बना दूंगा, अगर आपको डाउट आता है तो, ठीक है। लेकिन उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करने वाले हैं, और अगर आपके ये समस्या है तो कमेंट जरूर करना, नहीं है तो भी कमेंट करना, क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम मिलेगी बहुत सारे बच्चों को। क्या कि एप्लीकेंट आर आल्सो रिक्वायर्ड टू इंश्योर देयर नेम, नंबर एक आपका नाम, नंबर दो आपका डीओबी डेट ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड आर सेम एज पर इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। जो आपका टेंथ का जो मार्कशीट है उसमें जो आपका नाम नंबर एक और नंबर दो आपका डीओबी, क्योंकि आधार कार्ड में वो अलग है और टेंथ के सर्टिफिकेट में अलग है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। और ये चेंज आपको कैफे पे जाके आज ही करवा लेना है। अगर अलग है तो जो समस्या है वो कमेंट में जरूर लिखना, लेकिन ये दोनों चीज जरूरी है, आपका नाम और डीओबी। और एक बड़ी समस्या और बताऊं, बच्चों के पिताजी का जो नाम है उसमें भी प्रॉब्लम होती है, आधार में अलग होता है, मार्कशीट में अलग होता है बाबू। उसके लिए मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूं, रिक्वायरमेंट है चेंज कर लेना। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम आएगा, आधार कार्ड में और मार्कशीट में पिताजी का नाम अलग अलग है, तो चैलेंज आएगा, उसको भी चेंज कर लेना। लेकिन यह तो सबसे बड़ी बात है, जो चेंज क्या करना है, मार्कशीट आपकी फिक्स मानी जाएगी और मार्कशीट के बेसिस पे आपके आधार में चेंज होगा। तो आधार कार्ड में नाम अपना, अगर पिताजी का नाम अलग आ रहा है, गलत आ रहा है, या डीओबी अलग आ रहा है, तो उसको आधार कार्ड को करेक्ट करवा लेना। यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्पेशल काम करना, इसके बिना आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट होने वाला, अगर ये गलती है तो। और अगर आपके हैं तो कमेंट जरूर करना, नहीं है तो भी बताना कि नहीं सर मेरा ओके है, ताकि चीजें इंश्योर हम कर सके। आगे देखिए, जो टेंथ और ट्वेल्थ की जो मार्कशीट है उसमें क्या क्या चीजें आप जब फॉर्म भरेंगे उसमें, उस दौरान देखो कैंडिडेट का नाम क्या है, देखो ये बात आ गई ना, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अगर इनमें चेंज है तो वो चीजें बहुत जरूरी है, आधार कार्ड में चेंज करवा लेना। और डीओबी आपका डेट ऑफ बर्थ, ये आपकी टेंथ की जो मार्कशीट है वहां से पिक की जाएगी, ये बात ध्यान रख लेना। और यहां पे देखिए, जो आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट नंबर जो आपको एजुकेशनल बोर्ड के द्वारा दिया गया है, जो आपका सर्टिफिकेट नंबर आता है मैट्रिकुलेशन का, वो नंबर आपको यहां पर मिलेगा और उसको आपको फॉर्म फिलअप के दौरान यूज करना है। लेकिन इसमें आपको, ये आपके पास ऑलरेडी
हैं, इनमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चेंजेस था वो इधर वाला था। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। आगे मैं चलता हूं, यहां पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट, जिन बच्चों का खुद का ईमेल आईडी नहीं है वो अपना ईमेल आईडी का अकाउंट क्रिएट कर ले। उसके लिए आपका मोबाइल नंबर होना जरूरी है, मोबाइल नंबर आपका खुद का, और अपना ईमेल आईडी क्रिएट कर लो। जिन बच्चों का ईमेल आईडी है लेकिन पासवर्ड मिसिंग है, पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड याद नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, दूसरा ईमेल आईडी क्रिएट कर लो लेकिन अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड को डायरी में लिख के सेफ रख देना। उसके बिना ना आपका ज्वाइनिंग लेटर, ना आपका ओटीपी, ना आपका फॉर्म भरा जाएगा। ये एक बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट आपकी इंफॉर्मेशन है, इस पे काम कर लेना। वैलिड ईमेल आईडी आपका एड्रेस होना चाहिए और उस पे आपका ओटीपी आएगा और वो आप ही का मोबाइल नंबर, आप ही का ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड लिख लेना डायरी में। बच्चे भूल जाते हैं, उसके बिना आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाओगे, ईमेल आईडी पे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, ये बात ध्यान रखना। मैसेज आपका, मोबाइल नंबर आपका खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासवर्ड साइज फोटो, आपकी पासवर्ड साइज फोटो और उसका साइज जब आप अपलोड कर रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म को, ठीक है, तो 10 KB से 20 KB ही होनी चाहिए। लेकिन ये फॉर्म फिलअप के दौरान रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं इस पे एक वीडियो डेडिकेटेड बनाऊंगा। जब आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे उस दौरान मैं एक फॉर्म भर के आपको बताऊंगा, ताकि आप फॉर्म भरने में गलती ना करें, भर के बताऊंगा सारी स्टेप टू स्टेप, तो वो जल्दीबाजी आप मत करना, लेकिन बाकी रिक्वायरमेंट सारी आपको तैयार रखनी है। उसके बाद में आपके सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर वहां पर अपलोड होंगे, तो उसकी साइज भी 5 KB से 10 KB होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि सर ये सब तो है लेकिन पहली बार ऑनलाइन पेपर होने जा रहा है, तो हमारी तैयारी का क्या, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होगा पक्का पेपर का लेवल बढ़ेगा, जो हर बार पेपर आ रहा था उससे पेपर ऊपर ही आएगा 100% मान के चलो। क्यों? क्योंकि उनको भीड़ को अलग करना है, भीड़ को छांटना है, और उसके लिए वो क्या करेंगे, आपका जो पेपर है उसका लेवल वो बढ़ाएंगे। बिल्कुल हलवा पेपर, बिल्कुल हलवा पेपर तो बिल्कुल मान के आप मत चलिए, अच्छा पेपर आपको मिलेगा, पहले जो पेपर आ रहा था उससे अच्छा मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी के लिए हमारी टीम ने डेडिकेटेड आपका कोर्स लॉन्च कर दिया है। अर्जुन बैच आपका लॉन्च हो गया है, 10 फरवरी से लॉन्च हो गया है, इनरोलमेंट स्टार्ट हो गए 15 फरवरी से, यानी बुधवार से आपकी क्लासेज स्टार्ट होगी। क्लासेज का पूरा प्लान हमने आपको दे दिया है, वीडियो में जाके चैनल पे देख लो, नहीं आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ये जो अर्जुन बैच है, पूरा कंप्लीट बैच, चाहे आप आर्मी जीडी के लिए कर रहे हैं, कलर के लिए कर रहे हैं, ट्रेड्समैन के लिए कर रहे हैं, आपका WMP के लिए आप कर रहे हैं, टेक्निकल के लिए कर रहे हैं, NA के लिए कर रहे हैं, पूरा का पूरा सबके लिए एक ही कोर्स दिया, अलग अलग कोर्स इनरोल करने की जरूरत नहीं है। और इस कोर्स में टीचर्स आपको लाइव प्रैक्टिस कराएंगे, टॉपिक वाइज मिक्स प्रैक्टिस होगी, पोल रैंकिंग लीडर बोर्ड के साथ में क्लासेज भी सेव होगी। अगर आप क्लास मिस कर गए तो लेक्चर सेव हो जाएगा, आप उसको बाद में चाहे जितनी बार देख सकते हैं। ये आपका लाइव बैच रहेगा और ये आपका नोट्स बैच रहेगा। बच्चा पूछे कि सर नोट्स बैच का क्या बेनिफिट है, बेटा यहां पर आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपके जो कॉन्सेप्ट के नोट्स हैं वो आपको यहां पे मिलेंगे, और यहां पे ऑल इंडिया लाइव टेस्ट पोल रैंकिंग लीडरबोर्ड के साथ मिलेगा। ये स्मार्ट वर्क है, एक बच्चा नोट्स लिखता है और एक बच्चा इनको ओपन करके प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करने वाला बच्चा, सेल्फ प्रैक्टिस करने वाला बच्चा हमेशा आगे होगा। नोट्स लिखने वाला बच्चा लिखता है, टाइम बचता ही नहीं है सेल्फ के लिए। तो नोट्स बैच भी आज ही ज्वाइन कर लो, इनरोलमेंट आपका स्टार्ट है। और अगर आपका कोई डाउट रहता है फिर भी, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और कोर्स का डिटेल पा सकते हैं, कोई भी अगर आपको डाउट है तो। लेकिन कोर्स 15 फरवरी से पहले पहले ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 15 को आपकी सुबह से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी धमाकेदार लेवल पे। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे एक जबरदस्त अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।